नमस्कार, योग निरोग में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और आज हम बात करेंगे अम्ल पित्त को लेकर के, बात करेंगे एसिड को लेकर के। जब वो आपके शरीर में बनता है, आपका, आपके ऊपर, आपके स्वास्थ्य के ऊपर उसका क्या असर पड़ता है। यहाँ तक माना जाता है कि पेट में वो इतनी गर्मी पैदा कर देता है कि वहाँ पर आपको अल्सर तक होना संभव है। लेकिन अम्ल पित्त बनता क्यों है, यानी अधिक मात्रा में क्यों बनता है, और जब वो अधिक मात्रा में बनता है तो उससे बचने के क्या उपाय हैं, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे आज के हमारे इस खास कार्यक्रम योग निरोग में। और अम्ल पित्त के कारणों को लेकर के और उसके निवारण को लेकर के आज हमारे साथ मेहमान के रूप में फिर से मौजूद हैं भारतीय योग संस्थान के राष्ट्रीय महामंत्री देशराज जी। देशराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकसभा टीवी में। नमस्कार। आपके साथ बीते हफ्तों से लंबी चर्चा लगातार हो रही है और जिस तरह से हमारे दर्शकों को, देश को, योग को लेकर के जो एक जागरूकता है, अलग अलग बीमारियों पर योग के असर, उसके लक्षण, उसके निवारण, कारण, इन सब चीज़ों पर जो आपने अभी तक जो अपनी बात रखी है, उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया है, आसन, प्राणायाम और बाकी चीज़ें, उनके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और हम बातचीत करें इस चीज़ को लेकर के कि अम्ल पित्त, एसिड, आज का जो खान पान है, जीवन शैली है, उसमें कुछ क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके कारण से ये जो पर्टिकुलर बीमारी है, इसका कुछ ज़्यादा संभावना लगती है। जी रामवीर जी, अम्ल पित्त का मतलब क्या है? शरीर के भीतर एसिड ज़्यादा बनना, तेजाब ज़्यादा बनना, हाँ। पित्त का दोष कहलाता है ये। जब शरीर के भीतर पित्त आवश्यकता से ज़्यादा हो जाता है तो हमारे शरीर में कुछ दोष आने लगते हैं, जैसे खट्टी ढकारें आना, गले में कुछ कड़वापन सा महसूस होना, मुंह में खट्टा पानी आ जाना। कई बार आपने देखा हो कि इसकी पहचान करने के लिए किसी को बुखार हुआ या खाना हजम नहीं हुआ, प्रातः जैसे उठते हैं उल्टी आती है, तो एक हरे और पीले रंग का पानी सा, खट्टा और कड़वा बाहर जाता है, वह शरीर का पित्त कहलाता है। ये पित्त में एक तरीके से गर्मी है ये, और जब यह ज़्यादा होता है तो शरीर में कई तरह के नुकसान पहुँचाने लगता है। इसके लक्षण जो हैं, अगर उनकी बात करें तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे हम उसको, खट्टी ढकारे आ सकती हैं, उसके मुँह में खट्टा पानी आ सकता है, मुंह कड़वा हो सकता है, और उसको उल्टी आ सकती है, उसके पेट में अल्सर की शिकायत हो सकती है। ये कुछ विशेष लक्षण इसके सामने देखने को मिलते हैं। लेकिन होता किन कारणों से है ये भी तो पता लगाना जरूरी है। बिल्कुल। जब हम ज्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन करते हैं, तला भुना ज्यादा खाते हैं, आवश्यकता से ज्यादा खाते हैं, बार बार खाते हैं, गैर टाइम खाते हैं, मतलब भोजन का अम्ल पित्त से सीधा रिश्ता है। लेकिन आज की जो आधुनिक जीवन शैली है उसमें तो ये सारी बातें मतलब एक तरह से रिदम उसमें आ गई है। तभी तो आप यूं कह सकते हो कि आज अम्ल पित्त का रोग आम हो चुका है। अतिरिक्त इसके आप देखिए, अगर हम इसको योग की भाषा में दूसरे ढंग से समझाना चाहें, जब शरीर में पाचक पित्त ज्यादा बढ़ता है, जो कि अमाशय के आसपास और पित्त की थैली के आसपास और पकवाश्य के आसपास रहता है, जिसका काम है भोजन को पचाना, लेकिन अगर वो ज्यादा बनेगा या वही प्रिय कलेदक कफ होता है उसकी मात्रा कम हो जाए या समान प्राण कमजोर पड़ जाए, इन तीनों में से कोई बात, तीनों या कोई दो हो जाए, तो एसिडिटी की शिकायत शरीर के भीतर आएगी। क्या बात, ये तो इसके कारणों को लेकर के कुछ एक समीक्षा हो गई। लेकिन हम अगर पर्टिकुलर ये बात करें अब इसके निवारण की, तो क्या आसन जो हैं वो इसके लिए उपयोगी तरीका है? पित्त का जो दोष है इसका अगर देखा जाए तो अंग्रेजी दवाइयां खाना भी पित्त के दोष आने का एक कारण है। ओके। अगर आप इसके निवारण की बात करें तो निवारण इसमें, जब हम आसनों का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, भोजन में परिवर्तन लाते हैं, थोड़ा प्रकृति के नजदीक जाते हैं और अपनी आदतों को सुधार लेते हैं, तो पित्त के दोष को ठीक होना ऐसा नहीं कि असंभव है, संभव है, वह होगा ही होगा, ठीक होगा ही होगा अगर हम इसे अपने। एक बात कहा जाता है कि, और आयुर्वेद तो पूरा का पूरा उसी सिद्धांत पर चलता है जिसको वात, कफ और पित्त कहा जाता है। बिल्कुल ठीक।
इन तीनों का संतुलन ही स्वास्थ्य और आरोग्य कहा जाता है कि आदमी स्वस्थ है इसलिए इसका मतलब इन तीनों में बैलेंस है। इन तीनों का बैलेंस या इन तीनों में से किसी एक का संतुलन बिगड़ रहा है, कोई एक सामान्य आदमी इस बात को कैसे जांचे, कैसे परखे? हमें अपनी प्रकृति का पता होना चाहिए कि किसकी पित्त प्रकृति है। मैं वही कह रहा हूं कि वो प्रकृति का कैसे पता लगाए। देखिए, अगर आप क्या आयुर्वेद के पास अगर एक एक सूत्र आपको मैं बतला रहा हूं, अगर आपको गर्मी ज्यादा लगती है, पसीना ज्यादा आता है, दस्त आपको लगते हैं, आपको भूख ज्यादा लगती है, आपको क्रोध ज्यादा आता है, तो ये आपकी पित्त वृत्ति कहलाएगी, क्योंकि अग्नि का प्रतीक है। यानी आपकी स्वास्थ्य कुंडली में पित्त बैठा हुआ है पित्त इस समय। और जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को समय के साथ, मौसम के साथ, आयु के साथ हो सकता है। बचपन कफ प्रधान होता है, जवानी पित्त प्रधान होती है, बुढ़ापा वात प्रधान होता है। सुबह का समय कफ प्रधान होता है, दोपहर का पित्त प्रधान होता है, साय का आपका वात प्रधान होता है। मौसम में भी चलता है, गर्मी का मौसम पित्त प्रधान है, सर्दी का मौसम कफ प्रधान है, बरसात का मौसम वात प्रधान है। ये हमें थोड़ा थोड़ा इसकी अगर जानकारी कर लें और वैसे ही हम अपने भोजन को भी डाल लें, थोड़ा आसन और प्राणायाम को जोड़ लें, तो हम इन दोषों से ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल बाहर निकाल सकते हैं। ये पित्त का दोष अगर आपके शरीर में आ गया है, एसिड ज्यादा बनता है, तो फिर आसन क्या कमाल कर सकते हैं ये देखेंगे। हमारे शिक्षकों से आज कौन कौन से आसन आप करवाने जा रहे हैं दिखाने के लिए, आप जो हैं हमें जब पित्त का दोष शरीर में आ जाता है तो जो हमारे पाचक अंग हैं, जो हमारे पेट के अवयव हैं, उनको प्रभावित करने वाले आसनों का अभ्यास हमें करना चाहिए, क्योंकि जब वो ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं तो पित्त की वृद्धि होती है। अगर वो संतुलित होकर के सामान्य अवस्था में अपना काम करते हैं और ज़रूरत के अनुसार वो जूसिस बनाते हैं, रस बनाते हैं, तो ये दोष नहीं आएगा। इसमें बहुत से आसन पेट से संबंधित हो सकते हैं, पर आज मुख्यतः हमारे जो शिक्षक हैं वो तीन आसन करके दिखाएंगे, पश्चिमोत्तानासन, कोणासन और पवन मुक्तासन, जो कि अगर इन आसनों का अभ्यास करने से आप देखेंगे कि हमारे पाचक अंग या आप वहां के अवयव कह लीजिए, उनकी क्षमता बढ़िया होगी, सक्रिय हो जाएंगे, वो उत्तेजित नहीं होंगे, जरूरत के मुताबिक हमारे अवयव से ये रस बनेंगे और इस रोग से हम बाहर आ सकते हैं। क्या गुस्सा आने वाला, जिसको क्रोध आता है, जिस व्यक्ति को, उसकी प्रकृति भी उसकी पित्त प्रकृति कहलाएगी, यानी एसिड ज्यादा बनने की संभावना? एसिड बिल्कुल ज्यादा बनेगा, वह भी गर्मी है, एसिड भी गर्मी है, बिल्कुल। तो दर्शकों, आप तैयार होंगे ही, सुबह का समय है और आप सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं पश्चिमोत्तानासन। ये कैसे होता है हमारे जो शिक्षक हैं वो करके आपको दिखाएंगे और देशराज जी उनको निर्देश देंगे। दोनों एड़ी पंजे मिला लें, पंजों को ताने, दोनों हथेलियां घुटनों पर, श्वास भरते हुए दोनों बाजुओं को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाना प्रारंभ करें, अंत में दोनों बाजू कानों से सट जाएं, हथेलियों में कंधों जितना गैप हो, श्वास बाहर निकालते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे झुकना प्रारंभ करें, हथेलियों को पंजों से आगे निकलने पर पैरों के दोनों अंगूठों को पकड़ें, अब दोनों कोहनियों को धरती पर टिका दें, माथा घुटनों से आगे दोनों टांगों को स्पर्श करें, इस समय नाभि का संकोचन अंदर की ओर करें, सामान्य श्वास करके देर तक रुकें, पश्चात दोनों बाजुओं को आगे की ओर उसी प्रकार ताने, श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ से शरीर को सीधा करना प्रारंभ करें, बाजू कानों के साथ सटी रहे, अंत में पूरा श्वास भर करके धड़ वाले भाग से शरीर को ऊपर की ओर ताने, पश्चात बगल से दोनों बाजुओं को लाते हुए वापस आए, दोनों हथेलियों को पीछे रख दें, सुविधाजनक पैरों में फासला कर श्वासों को सामान्य कर लें, आसन का प्रभाव अपने मानसिक स्तर पर महसूस करें।
तो ये पश्चिमोत्तान आसन है, इसमें किन लोगों को इस आसन से बचना चाहिए, सावधानियां क्या रखनी चाहिए, इसको लेकर आपका कुछ? इसमें दो बातें देखिए आप, पहले तो जैसे ही साधक जब इस आसन का अभ्यास करता है तो पेट के अंग अंदर की ओर धंसने लगते हैं और पेट की मांसपेशियों से पूरा दबाव बनता है अंदर की ओर, जिससे कि उनकी मसाज होती है और जब हमारे ये अंग स्वस्थ होंगे तो ये दोष ठीक होता है। दूसरा, किसको नहीं करना चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। जिनको कमर के निचले हिस्से में दर्द है उनको यह आसन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, प्रारंभिक अवस्था में यह आसन कई बार नहीं लगता तो उसके लिए वो ऐसा कर लें कि एक बार नीचे जाएं, अंगूठे ना पकड़ें, धड़ को सीधा कर लें, फिर नीचे जाएं, फिर ऊपर आएं, 8-10 बार ऐसे ही इस क्रिया को करते रहें, कुछ दिन के बाद वो देखेंगे कि उनसे पश्चिमोत्तान आसन लगने लगेगा। बिल्कुल, तो ये पश्चिमोत्तान आसन लगाने का तरीका जो है, किस तरह से सहज तरीके से आप उस ओर जा सकते हैं, ये भी बताया देशराज जी ने। लेकिन अब हम बात करेंगे कोणासन की। कोणासन के लिए आप तैयार रहिए, कोणासन हमारे शिक्षक करके दिखाएंगे, कैसे होता है, कितना और कैसा असर डालता है हमारे शरीर पर, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। कोणासन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, हथेलियों में फासला कम कर दें, हथेलियों व एड़ियों पर भार देते हुए धड़ वाले भाग को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाना प्रारंभ करें, अंत में पैरों के तलवे पूरी तरह से धरती पर लग जाएं, गर्दन थोड़ा सीधी, श्वास सामान्य, रीढ़ और पेट वाले भाग पर अपनी एकाग्रता को रखें। इस आसन की पूर्ण स्थिति में रीढ़ प्रभाव में आती है, पेट की मांसपेशियां प्रभाव में आती हैं और पेट के भीतर के ऑर्गन्स विशेषतः प्रभाव में आने से इस रोग से रोगी को निजात मिलती है। आने और जाने की गति बहुत कम होनी चाहिए, जैसा कि सामने शिक्षक करके दिखाएंगे, बहुत धीरे धीरे वापस आना प्रारंभ करें। कोई भी आसन तेज गति से हमें नहीं करना चाहिए। पैरों में सुविधाजनक फासला, श्वास सामान्य। ये था कोणासन। कोणासन सरल है लेकिन कैसा असर डालता है, शरीर के किन ऑर्गन्स पर उसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है, ये भी आप बताइए। इसके दो दृष्टिकोण हैं। जिनको हड्डियों का दोष रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है। आप देखेंगे कलाई, कोहनी, कंधा, इसके ऊपर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है और रीढ़ के दोष इस आसन के करने से प्रभाव में आते हैं। जब आप, क्योंकि वो भी एक समानांतर रेखा में रहती है, और जब शरीर को ऊपर उठाया जाता है और शरीर को नीचे लाया जाता है उस समय पेट की मांसपेशियों पर विशेष प्रभाव आता है और पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं वह प्रभाव में आते हैं। जब उन वो स्वस्थ बनते हैं, उनकी सक्रियता लौटने लगती है तो वो अपना जितना भी उनको रस छोड़ना चाहिए वो उतना ही रस छोड़ते हैं, जिससे कि हमारे पाचन से संबंधित कोई दोष नहीं आता शरीर में। बिल्कुल, किसी को सलाह देंगे कि वो ना करे इस आसन को? जहाँ तक इसमें प्रारंभिक अवस्था में किसी को फ्रोजन शोल्डर की शिकायत है तो वो इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको उनके लिए मुश्किल होगा, थोड़ा दर्द रहता है। तो अदरवाइज ऐसा नहीं है, आसन सरल है, इसको कर सकते हैं। बिल्कुल, सरल आसन है, कर सकते हैं ज़्यादातर लोग। कंधे में अगर किसी तरह की कोई सर्जरी हुई है, कोई परेशानी है, फ्रोजन शोल्डर है, तो तब थोड़ा सा उसमें बचने की ज़रूरत है प्रारंभिक अवस्था में। बिल्कुल, अभी आपने कोणासन को देखा, उससे पहले पश्चिमोत्तानासन को देखा और अभी हम बात करेंगे पवन मुक्त आसन की। पवन मुक्त आसन के कई तरीके हैं, ठीक है। हमारे शिक्षक और देशराज जी कौन कौन से तरीकों को वहाँ पर आजमाते हैं, देखते हैं। पवन मुक्त आसन के लिए आसन के मध्य लेट जाएं, सर्वप्रथम दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां शरीर के साथ, पंजों को तान दें,
दाएं टांग को मोड़ें, दोनों हाथों की उंगलियों को घुटनों के ठीक नीचे वाले भाग पर इंटरलॉक करके रखें। श्वास भर करके दाएं जंघा से पेट वाले भाग को दबाएं। श्वास बाहर निकालते हुए माथा या नासिका को घुटने के साथ लगा दें। दूसरी टांग का पंजा पूरी तरह खींचा रहे और इस समय लीवर के ऊपर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। पित्त की थैली और आपकी असेंडिंग कोलन जो है वह प्रभाव में आती है। ये तीनों जब सक्रिय होते हैं तो आप देखेंगे कि पित्त का दोष शरीर में धीरे धीरे ठीक होने लगता है। बहुत धीरे धीरे वापिस आए, पहले धड़ बाद में टांग। बाई टांग को फोल्ड करें, उसी प्रकार दोनों हाथों की उंगलियों से आपस में उन्हें इंटरलॉक करके घुटने के नीचे टांग पर रखें। श्वास भरें और बाई जंघा से बाई ओर के पेट का भाग को दबाएं। श्वास बाहर निकालते हुए अब माथे या नासिका को घुटने से लगा दें। पूरा दबाव इस समय पेट की मांसपेशियों पर, अमाशय पर, पक्वाशय पर, अग्नाशय पर और डिसेंडिंग कॉलन के ऊपर पड़ता है, जिससे ये सभी पाचक अंग सुदृढ़ बनते हैं। धीरे धीरे पहले धड़ को वापस लाए श्वास भरते हुए और श्वास निकालते हुए टांग को भी वापस ले जाएं। अब हम इसकी पूर्ण अवस्था करेंगे। दोनों एड़ी पंजे मिला दें, पंजों को तान दें, दोनों टांगों को मोड़ें, उसी प्रकार से दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए घुटनों के नीचे रखें। श्वास को भर लें और दोनों जंघाओं से पेट वाले भाग को दबाएं। अब श्वास बाहर निकालते हुए माथा या नासिका को दोनों घुटनों के मध्य टिका दें। इस समय लीवर, पेनक्रियास, अमाशय, स्टमक, ड्यूडोनम, छोटी आंत, बड़ी आंत, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, ये सभी प्रभाव में आती हैं। सभी पाचन और निष्कासन क्रिया को सहज बनाएंगी जब इनकी मसाज होगी। श्वास भरते हुए धड़ वाले भाग को वापस लाएं, श्वास निकालते हुए दोनों टांगों को वापस ले जाएं। पैरों में सुविधाजनक फासला कर शवासन की स्थिति में जाएं। पहले श्वासों को सामान्य कर लें, पश्चात पंजों से सर तक, सर से पंजों तक, मन की आंखों से शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग को देखते हुए उनको मानसिक आदेश दें कि वो शिथिल होते जाएं। कुछ ही आप सेकंड्स के बाद या एक डेढ़ मिनट के बाद आप पाएंगे कि आपके श्वास बिल्कुल सामान्य होंगे, शरीर पूर्ण रूप से शिथिल होगा, सभी प्रभावित होने वाले अंगों में रक्त का परिसंचरण और प्राण का प्रवाह प्रचुर मात्रा में होने लगेगा, जिससे कि शरीर से दोष बाहर जाते हैं। अंत में दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी करवट लें, दाहिनी कोहनी और बाएं हाथ की हथेली का सहारा ले उठ बैठें और बैठने की स्थिति में विश्राम करें। तो ये था पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन को लेकर आपका क्या कहना है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको इस आसन को नहीं करना चाहिए? आप देखेंगे कि पवन मुक्त आसन जिनको पाचन और निष्कासन से संबंधित कोई भी समस्या हो उसके लिए ये आसन बहुत बढ़िया आसन कहलाता है। इसमें सभी हमारे पेट की मांसपेशियां और जितने भी अंदर के अवयव हैं वो प्रभाव में आते हैं। अगर किसी को सर्वाइकल की शिकायत है तो आप देखते हैं कि जब माथा हम घुटने की तरफ बढ़ाते हैं तो उस समय हमारे सर्वाइकल रीजन थोड़ा अंदर की ओर झुकता है, जो कि उनके लिए फायदेमंद नहीं है। अगर वो कर रहे हैं तो गर्दन को सीधा रखें और फिर इस आसन को कर लें। प्राणायाम की ओर अगर बढ़ें तो प्राणायाम का की भूमिका क्या है खास? अभी प्रारंभ में ये बतलाया गया था कि अगर समान प्राण कमजोर हो जाता है और उधर से हमारा पित्ताशय में पित्त ज़्यादा बन रहा है तो आपको एसिडिटी की शिकायत होगी। अगर समान प्राण हमारा सक्षम है तो वह ऐसा नहीं होने देगा।
बिल्कुल, क्योंकि साइड बाय साइड अमाशय से निकलने वाला जो कलेदक कफ है उसकी मात्रा सही होगी, इधर से अग्नाशय से जो जूस निकलता है वह भी इसकी एसिडिटी लेवल को, गर्मी को कम करता है, वह भी स्थिति बढ़िया होगी। इसलिए जब प्राणायाम करते हैं हम और समान प्राण सक्षम होते हैं तो सभी ग्रंथियों से निकलने वाला स्राव एक अच्छे सामंजस्य, एक अच्छे तालमेल के साथ निकलने लगेगा। किसी भी चीज की जब अतिरिक्तता और न्यूनता नहीं होगी तो रोग नहीं आएगा, इसलिए प्राणायाम की भूमिका बहुत अधिक है। बिल्कुल, कौन सा प्राणायाम इसमें आप प्रिस्क्राइब करेंगे? आप देखते हैं कि पित्त के दोष में गर्मी हमारे शरीर में ज़्यादा होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि गर्मी को कम करने वाला प्राणायाम कौन सा है? उसमें चंद्रवेदी प्राणायाम है, उसमें शीतली प्राणायाम है, उसमें शीतकारी प्राणायाम है। अतिरिक्त इसके अगर आप देखें तो अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बहुत सुंदर प्राणायाम कहलाते हैं। पर आज हमारे जो शिक्षक हैं वो केवल एक प्राणायाम करके दिखाएंगे, शीतकारी प्राणायाम, जो कि अमल पित्त के रोगी के लिए बहुत ही लाभकारी एवं प्रभावकारी है। तो दर्शकों, आप बैठ जाइए, तैयार हो जाइए प्राणायाम के लिए, क्योंकि अब बारी प्राणायाम की है। शीतकारी प्राणायाम जो है, खास तौर पर जिसका जिसको आज हमारे शिक्षक यहाँ पर करके दिखाने वाले हैं, इसका पर्टिकुलर जो असर है वो किस तरह से और कैसा होता है? नाम से ही इसका अर्थ समझ में आ जाना चाहिए। शीतकारी प्राणायाम मीन शरीर को ठंडक देने वाला प्राणायाम, और उधर से आपके शरीर में गर्मी का स्तर बढ़ जाता है जब आप अमलपित्त के रोगी होते हैं। जैसे अग्नि को पानी उसकी अग्नि के स्तर को नीचे करता है, वैसे ही शीतकारी प्राणायाम हमारे शरीर की गर्मी को कम करता है। बिल्कुल, जो पित्त प्रधान व्यक्ति हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया प्राणायाम है, गर्मी के मौसम में बहुत बढ़िया प्राणायाम है। जिनको दांतों में शिकायत रहती है उनके लिए यह प्राणायाम बहुत अधिक है, जिनके मुंह में से बदबू आती है उनके लिए यह प्राणायाम बहुत अधिक है, जिनकी जीभ पे छाले पड़ जाते हैं या मुख में छाले हो जाते हैं उनके लिए प्राणायाम बहुत अधिक है, बहुत अच्छा प्रभावकारी है। जिनको एसिडिटी की शिकायत होती है उनको यह प्राणायाम बहुत अच्छा है, जिनको क्रोध आता है उनके लिए यह प्राणायाम बहुत अच्छा है, जिनको पसीना ज्यादा आता है उनके लिए यह प्राणायाम बहुत अच्छा है। बिल्कुल, एक प्राणायाम और ढेर सारे फायदे, तो इन फायदों को आप भी गिनते जाइए, और इसमें से कोई एक फायदा अगर आपको लेना है तो आप भी तैयार रहिए शीतकारी प्राणायाम के लिए। शीतकारी प्राणायाम के लिए पहले हम पद्म आसन लगाएंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हाथ घुटनों पर, दाई टांग मोड़ें, एड़ी को बाईं ओर पेड़ू में स्थित करें, बाईं टांग मोड़ें, एड़ी को दाईं ओर पेड़ू में स्थित कर दें, दोनों घुटने धरती पर और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा की स्थिति में, कमर रीढ़ गर्दन सीधी, जीवा को मोड़कर अपर प्लेट ऊपर वाले तालू में पीछे से पीछे लगाएं, दोनों होठों को दांतों के मूल तक खोल दें। अब हमें होठों के किनारों से श्वास को भीतर दांतों के मध्य से और दांतों होठों के किनारों से अंदर की ओर खींचना है। प्रारंभ करें, पूरा श्वास भीतर भरकर रोक लें, तीनों बंद लगा लें, क्रमानुसार बंधों को खोलते हुए नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। इस प्राणायाम को एक बार और दोहरा करके दिखाएंगे ताकि हमारे दर्शक गण इसे अच्छी तरह समझ लें। जीवा को मोड़ अपर प्लेट में पीछे से पीछे लगाएं ऊपर वाले तालू के साथ, दांतों को आपस में मिला दें, होठों को खोल दें जो कि दांतों के मूल तक ये होठ चले जाते हैं। अब दांतों के मध्य से होठों के किनारों से श्वास को अंदर की ओर खींचना प्रारंभ करें, पूरा श्वास अंदर भरने पर आंतरिक कुंभक लगाएं, मूल बंद पहले से लगा रहता है, नाभि का संकोचन करें उड़ियान बंद, कंठ की मांसपेशियों का संकोचन करें जालंधर बंद, जालंधर बंद खोलते हुए धीरे धीरे नासिका से
श्वास को सामान्य कर लें। बाहर निकालते हुए अन्य बंध भी कर्मानुसार खुल जाते हैं। पश्चात अपनी मानसिक स्थिति का अवलोकन करें। शीतकारी प्राणायाम जो कि गर्मी के रोगों को ठीक करने वाला है, जिसमें कि अमल पित्त का रोग भी एक मुख्य रोग है, जिसके को ठीक करने में यह प्राणायाम काफी प्रभावकारी माना जाता है। यहाँ पर ये बात थी प्राणायाम की, शीतकारी प्राणायाम और उसके फायदे क्या होंगे इस तरह के दिक्कत में, परेशानी में, रोग में, ये आपने बताया। जिनको एसिड ज़्यादा बनता है उनके लिए किस तरह का भोजन उन लोगों को करना चाहिए, क्या सलाह देंगे आप? उन्हें जिनसे एसिड बनता है वो भोजन ना लें। तला हुआ भोजन है, मिठाई है, या आप यूँ कहिए कि अधिक मिर्च मसालों वाला भोजन है, वो उन्हें नहीं लेना चाहिए। उनको लेना चाहिए फल, उबली सब्जियां, और आप ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी खिचड़ी बनाएं शाम के टाइम खास तौर पे, जिसमें दो हिस्से मूंग हो और एक हिस्सा चावल हो, थोड़ी पतली हो, रसदार, और उस खिचड़ी का वो सेवन करें। आड़ू ले सकते हैं वो, ककड़ी ले सकते हैं वो, बेल का शरबत ले सकते हैं वो, अश्वगंधा ले सकते हैं वो, गुलकंद ले सकते हैं वो, ये सब गर्मी को कम करने वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ बाकी सुझाव जिनको नायाब अगर suggestion. किसी को बहुत ज़्यादा ये रहता है और अल्सर के फोड़े ना हो, तो वो प्रातः पहले 4-5 दिन तक किसी योग्य शिक्षक की देखरेख में बिना नमक डाले सादे पानी का कुंजल कर ले। इससे देखेंगे कि एसिडिटी का स्तर कम होगा। दूसरा, दिन में जितना पानी वो सामान्य पीता है, लेकिन कुंजल करने वाले व्यक्ति को अगर हृदय की कोई समस्या है, हृदय का रोग है, तो उसे यह प्राणायाम, यह कुंजल की क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे स्ट्रेन पड़ेगा उसके हृदय के ऊपर। इसीलिए एक शब्द साथ में बोला गया, किसी योग्य शिक्षक की देखरेख में इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और जो पानी पीते हैं वो पानी थोड़ा सामान्य से ज्यादा पिए। एक बात को और वो अपने भोजन के साथ जोड़ लें कि भोजन के साथ साथ उनको क्या करना है कि पानी नहीं पीना, उससे आधा घंटा पहले पिए, आधा घंटा बाद में पिए, और सलाद पहले पेट भर खा लें, 10 मिनट का गैप दे दें, फिर भोजन खाना शुरू करें। ऑटोमेटिक उनको जो चीज़ें एसिड बनाती हैं उनकी मात्रा कम हो जाएगी, और अल्कलाइन फूड जब शरीर के भीतर ज़्यादा जाएगा तो तेजाब कम बनेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने यहाँ पर जिस तरह से समीक्षा की है एसिड को लेकर, एसिड की समस्या को लेकर, अगर आपको भी ये समस्या है तो आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं, और आसन उसमें किस तरह से कारगर हो सकते हैं, भोजन किस तरह से कारगर हो सकता है, और जो बाकी सुझाव देशराज जी ने दिए हैं वो सुझाव भी नायाब हैं। तो योग निरोग की इस कड़ी में फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।